अच्छा हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। एक साथ इतना बड़ा इवेंट आपने रखा, इतनी फिल्मों का राउंड किया गया, मुहूर्त किया गया, कैसा था पूरा इवेंट? क्योंकि अब तो इवेंट खत्म हो चुका है, दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। इवेंट काफ़ी अच्छा था, आप लोग भी थे उसमें जी, और काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट था, और बाकी तो आप ही बताएंगे। सर इतने सेलेब्स आए और इतने लोगों को जाना, इतने लोगों की ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना, उनके लॉजिस्टिक्स देखना, बड़ी जिम्मेदारी का काम हुआ। कितने लोग टीम में शामिल थे, कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया? करीब करीब 40 से 50 लोग मुंबई से आए थे, बाकी यहाँ लोकल जो भी शूटिंग्स चल रही थी उनमें से काफ़ी लोग आए थे, और सब प्री प्लान था और काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया। सर कितने दिन पहले से इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई थी? तैयारी करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, करीब एक हफ्ता टाइम मिला था, एक हफ्ते में हमने सब फाइनल कर दिया था सब कुछ। अच्छा फ्रेंड जी, मैं एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, जो फिल्में हम बना रहे हैं और जिन्हें अनाउंस किया गया है, उनका एक बार अपना हमने और साथ ही साथ कलाकारों के बारे में भी बताएं, तो रिकॉल हो जाएगा। जिन जिन फिल्मों का ऐलान हुआ है उसमें से हिंदुत्व है, तो उसमें माननीय श्री रवि किशन जी हैं, और दूसरी फिल्म फसल है उसमें दिनेश लाल यादव जी हैं, और तीसरी फिल्म वास्तव है जिसमें खेसारी लाल यादव जी हैं, चौथी फिल्म सन्यासी है जिसमें चिंटू जी हैं, और पांचवी फिल्म जाने मन टू है उसमें कल्लू जी हैं। सर अब इन फिल्मों के डायरेक्टर्स के बारे में भी बता दीजिए। हिंदुत्व का जो डायरेक्शन है वो अपना साउथ के जाने माने डायरेक्टर करेंगे, और फसल पराग पाटिल करने वाले हैं, वास्तव सुजीत कुमार सिंह करने वाले हैं, और सन्यासी जो है राजकुमार पांडे जी करने वाले हैं, और जाने मन टू संजू बिस्ट। अच्छा सर ये फिल्में कहाँ शुरू हो जाएंगी, कहाँ शूट करेंगे? ये सारी फिल्में लखनऊ में ही उसके आसपास बाराबंकी और उसके आसपास एरिया में शूट होने वाली है। कोई खास वजह फिल्मों को बैक टू बैक यूपी में शूट किया जा रहा है उसके पीछे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो फिल्मों को प्रोत्साहन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं, और उसके वजह से जो हम लोग कहीं भी थोड़ा अगर फंसते हैं तो जो सब्सिडी हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग काफ़ी सेफ हो जाते हैं, इस वजह से काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं। सुविधाएं बहुत सारी मिल रही है सरकार की ओर से जी। सर कैसा था इवेंट सर कल का? सर को जो आपका इंटरव्यू या जो कल रात से आपके इवेंट की सारी वीडियो देख रहे थे उन्हें कुछ कहना चाहते हैं प्रेम राय जी? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अब तक जो प्यार दुलार दिया है उसको कायम रखें, और हम आप लोग के लिए अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे, आपका सपोर्ट का जरूरत है, और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।